आधा इधर आधा उधर। अच्छा आप लोग सुनना चाहते कितने हजरात आधा इधर आधा उधर जो मेरी एक शनाख्त मेरी पहचान है हाथ उठा के बताइए, तालियां मार के तो मैं सुना दूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। मुझे याद आता है कि मैं पटना एयरपोर्ट पर एक मरतबा जा रहा था वहां से दिल्ली गांधी मैदान गांधी एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो मुझे याद आया कि मैं वहां जाने के बाद अपने सर से टोपी निकाल के अपने बस्ते में बैग में रख लिया। मैंने कहा यहाँ पे कौन मुझे जानने वाले होंगे, यहाँ पे तो कोई पहचानने वाले है नहीं। जैसे मैं सर से टोपी उतार ही रहा था अब दो कदम चला जैसे मचक के, तो पीछे से एक बच्ची आवाज देती है मम्मी मम्मी वो जा रहे हैं आधा इधर आधा उधर। करीब में जाकर जब मैंने देखा पूछा कि बच्ची अब कहाँ की हो बेटी, तो कहने लगे कि मैं सहरसा की रहने वाली हूँ सिमरी बख्तियारपुर की, और आपका वो शेर आधा इधर आधा उधर। माशाल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ कि इस शेर को यही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान के शायरों ने भी पढ़ दिया, उस पर अपने तरन्नम का मोलम्मा लगा दिया, और मगर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं तो मुझे नवाजिएगा। चांदनी साहबा मैं आपके सामने पहली बार पढ़ रहा हूं जो मुजाहिद हबीबी की पहचान बनी, जिस तरह आप मेरे रश्के कमर पे जो पढ़ी माशाल्लाह। मैं एक बात कह सकता हूं कि गजल के मुशायरे के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अगर मैं किसी के जरिया हुआ हूं तो मोहतरमा चांदनी शबनम के थ्रू हुआ हूं, कि जो एक वीडियो उसकी क्लिप आई थी सबसे ज्यादा लाइक और सबसे ज्यादा लोडिंग उनकी हुई थी, जिसके जरिया से इस हबीबी को भी लोग जानने लगे थे, जबकि मेरी आवाज बहुत खराब थी और 101 डिग्री बुखार, उनके बावजूद भी माशाल्लाह मैंने अच्छी कोशिश उसमें की थी। शेर देखे एक मरता जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके मुझे बताया कि मुझे लगना चाहिए कि मैं अपने बिहार में हूँ और उस बहादुरों की धरती पे हूँ जहाँ का बच्चा बच्चा बहादुर होता है। एक मरतबा आप अपने लिए ही ताली लगा दीजिए। अब देखे दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, देखता हूं इधर वाले में ज्यादा पावर है या इधर वाले में या इधर, क्या बात। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, अरे हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। अब एक शेर सुने, एक तरफ मक्के की सरहद, आय हाय हाय कसम खुदा की कह रहा हूं इश्क नबी की एक भी चिंगारी सीने में हो ना तो इंशाल्लाह उसको शोले में तब्दील कीजिएगा। देखे दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, अरे हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। क्या बात है, एक तरफ मक्के की सरहद एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। एक गुस्ताखे रसूल ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, जब भी लखनऊ उतरता था मेरे दोस्तों मेरी निगाहें उन्हें तलाशती थी। मैं डेढ़ टांग पे ये वादा कर रहा हूं आपको, तो कुदरत ने दो से नवाजा है, अगर वो मुझे मिल जाता दुश्मन रसूल सबसे पहले वो काम मैं करता। इसलिए मेरे दोस्तों हम बगैर भूखे मुझे रख देंगे हम लोग रह सकते हैं, घर से बाहर कर दिया जाए सड़कों पर हम रह सकते हैं, लेकिन आका की शान पर अगर उंगली उड़ जाए तो अपनी जिंदगी को मैं दरसों टावर पिच पर हम लगा सकते हैं। शेर देखे हजरात के दंग है सब देख कर, मैंने इसीलिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि अगर वो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूं, मसाइल में उलझ कर भी सलीके से संभलता हूं, मैं गरचे पैर से माजूर हूं तो क्या हुआ लोगों, मुजाहिद नाम है मेरा हमेशा तेज चलता हूं। अल्लाह का करम है कि जिस हवाले से आप मुझे जानते। शेर देखे दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर, जो है गुस्ताखे नबी ऐ काश मिल जाए अगर, जो है गुस्ताखे नबी ऐ काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी ऐ काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर आधा इधर आधा उधर, और दुश्मना ने मुस्तफा को देख लेना पुल सरात, डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर। दुश्मना ने मुस्तफा को देख लेना पुल सरात, अरे डाल देगा काट कर आधा इधर आधा उधर, फिर भी निकलेगा मुजाहिद की जबा से या खुदा जिस्म भी कर दो अगर आधा इधर आधा उधर। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। आइए मेरे दोस्तों इसी के साथ साथ दो से चार मिनट का वक्त मैं चाहता हूं, जब दूसरा राउंड चल गया है तो सभी को समाप्त कर ले, और मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ मोहन मुंतजिर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और चंद कलाम से हम सामने को नवाजे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले। नहीं पढ़ता हूं मैंने, लोग पता नहीं क्या ख्याल बात लेते मेरे भाई, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत करो, मैंने बस इतना कहा कि मोहब्बत में गिलगिड़ाओ मत,
क्या बात है। मैंने बस ये कहा कि साहब मोहब्बत में बर्बाद मत होना, मैंने बस ये कहा कि मोहब्बत में खुददार रहो, क्या मैंने बस ये कहा कि मोहब्बत में जान मत दो। उन माँ बाप से पूछना साहब जिनके जिनके लड़के झूठी मोहब्बत में धोखा खा के जान दे देते हैं ना, उन माँ बाप के आंसुओं से कभी पूछिएगा। मैं एक बात अभी खिदमत में यर्ज करता चलूं, आप सभी खिदमत में यर्ज करता हूँ जितने नौजवान भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, कि अगर आपके लिए सबसे अच्छी दुल्हन सिर्फ आपकी माँ तलाश कर सकती है, आप खुद तलाश नहीं कर सकते। क्या बात है। यहाँ से मैंने बस इतना कहा कि मायूस मत होना, आपने 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 फरमाइश के पढ़ता हूँ, बस मैंने ये तो कहा कि मायूस मत हो। मैंने क्या गलत कहा? नौजवान भाइयों से मायूस मत हो, चलते चलते जब भी कोई रास्ता बंद हो जाए और सामने कोई दीवार हो तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा है कि वहां से एक मोड़ ले लिया जाए और उस मोड़ पे चार रास्ते और नए खुल जाते हैं। कोई एक रास्ता अब इख्तियार कर लो। चार मिसरे पढ़ता हूँ, उसके गजल का मतलब शेर पढ़ूंगा। अच्छा करे भाई, स्वागत है। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। ये यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आपकी खुददारी बोले आपके तालियों में। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ करूं। वाह भाई वाह, बड़े जुगाड़ू है भाई आप। वाह 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 वाह, मोहम्मद मुंतजिर बहुत जुगाड़ू आदमी है भाई। वाह भाई वाह, अच्छा जुगाड़ है भाई जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, मेरा मन है कि इन 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 चार मिसरों में से दो शेर अपने साथ ले जाइएगा जी, आता वही बात सुनेगा। ऐ मेरे यार मोहब्बत में सर झुकाना मत, क्या बात है। ऐ मेरे यार मोहब्बत में सर झुकाना मत, किसी भी लड़की के आगे तू गिड़गिड़ाना मत, किसी भी लड़की के आगे तू गिड़गिड़ाना मत, बुजुर्ग बाप की माँ की भी खिदमतें करना, बुजुर्ग बाप की माँ की भी खिदमतें करना, किसी के प्यार में फलसफ ना भूल जाना, किसी के प्यार में फलसफ ना भूल जाना। मुझे गजल का एक मतलब चल शेर पढ़ता हूँ, जो गजल मैंने सबसे अच्छी कह दी है, अगर हो सके कुछ आप यहाँ से ले जा सके तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा जी। आता करें। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। आहा, एक आपसे वादा लेता हूँ साहब। क्या बात है। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, हम हद से मोहब्बत को गुजरने नहीं देंगे, मोहब्बत को गुजरने ऐसा मोहब्बत करो हद से मत गुजरने दो। एक शेर पढ़ता सुनिएगा, बहुत आएंगे आपको मशवरा देने वाले। तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में, क्या बात है। तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में, तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में, डूबोगे तो फिर लोग उभरने नहीं देंगे, डूबोगे तो फिर लोग उभरने नहीं देंगे, तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में, डूबोगे तो फिर लोग उभरने नहीं। एक शेर पर तो शायद अच्छा हो गया, जी आता करे। ताजा ही रखेंगे ऐसे नम चोट जिगर की, क्या बात है। ताजा ही रखेंगे ऐसे नम चोट जिगर की, ताजा ही रखेंगे ऐसे नम चोट जिगर की, ये जख्म मोहब्बत का है भरने नहीं देंगे, ये जख्म मोहब्बत का है भरने नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ साहब, इस शेर में मुझे अपने कुछ दोस्त याद आते हैं, इस शेर में मुझे मुजाहिद भाई याद आते हैं। क्या बात है भाई वाह। अगर आपको अपना वो दोस्त याद आ जाए कमबख्त दोस्त, तो इस बार उस दोस्त के लिए ताली बजा देना। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में,
अल्लाह। इस बार अपने दोस्त के लिए तालियां उठाना। क्या बात। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे। क्या बात है। इससे बड़ा मैंने खुददारी का शेर अपनी जिंदगी में नहीं कहा। उसके बाद आप सबकी जहमत है तमाम। अगर आज के बाद कोई आपसे इजहार करे तो पहले ये शेर सुना देना। तुम पहले इजहार मत करना वरना मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। क्या बात है। शेर पढ़ता हूँ साहब, खुददारी का सबसे बड़ा शेर। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर। क्या बात। दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे, फिर प्यार किसी और से करने। बहुत बहुत शुक्रिया सुपौल के मेहदीपुर के लोगों, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। दुआ में याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।